नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, फिल इंजेक्शन रेट का फार्मूला। इंजेक्शन रेट कितने क्यूबिक पर सेंटीमीटर आपका मटेरियल जो है चलता है जब आपके बैरल में, तो उसका फार्मूला आज मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा और आप आसानी से सीख जाओगे, आपको बस पूरा वीडियो देखना है। दूसरी चीज़, हमने जो कोर्स बनाया हुआ है, हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जाइए, प्लास्टोटेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप iOS यूज़र हो, आईफोन वगैरह चलाते हो, तो www.plastotech.in पर जाइए, वहाँ से हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स एनरोल करिए, सीखिए हमारे साथ ताकि आप बढ़ सकें, अच्छी ग्रोथ हो सके आपकी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पे दोस्तों, फिल इंजेक्शन रेट में आप देखोगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी फॉर्मूला को कोई भी चीज़ निकालते हो तो उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में कुछ चीज़ें लगती हैं, वो वैसे ही फिल इंजेक्शन रेट फार्मूले में कुछ चीज़ें लगेंगी। वो क्या क्या है? शॉर्ट वेट, फिल टाइम, मटेरियल डेंसिटी। शॉर्ट वेट का मतलब आपका क्या शॉर्ट वेट है, जैसे कि एक शॉट में कितना वेट ऑफ मटेरियल निकल के आ रहा है, वो आपका शॉर्ट वेट होगा। फिल टाइम, उस शॉर्ट वेट को भरने में कितना समय लगा वो चीज़, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये शॉर्ट वेट आप किस मटेरियल में निकाल रहे हो, पीपी में निकाल रहे हो, पीसी में निकाल रहे हो, एबीएस में निकाल रहे हो, या एचडीपी में निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब हम फार्मूले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहला शॉर्ट वेट, शॉर्ट वेट, अब आपका शॉर्ट वेट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 225.6 ग्राम। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक शॉट मारिएगा, जितना मटेरियल निकलेगा वो आपका शॉर्ट वेट, उसको वेट कर लीजिएगा, वही आपका शॉर्ट वेट होता है। इस शॉर्ट वेट को भरने में समय कितना लग रहा है, तो फिल टाइम जो हमें लग रहा है वो लग रहा है 0.30 सेकेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों मटेरियल की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, हमने HDPE मटेरियल का इस्तेमाल किया जिसकी डेंसिटी है 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें बहुत आसान हैं, यहाँ तक आपको तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ बेसिक चीज़ें लिखी। फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? एफ फॉर फिल, फिल रेट का फॉर्मूला जो है आपका वो है वॉल्यूम ऑफ शॉट, वी से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या पूरा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ शॉट। अब इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में होगी, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, इतना तो आपको पता ही होगा जब मैथ वगैरह पढ़े होगे। और टोटल टाइम, टाइम फॉर फिलिंग, टी से टाइम है, फिल होने में कितना टाइम लगा, इसको आप एस सेकंड से रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे आपका दिमाग चकराया होगा कि वॉल्यूम ऑफ शॉट मैं कैसे निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ शॉट निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे होता है, आपका जो शॉट वेट होता है, शॉर्ट वेट, इसको आप डिवाइड कर दोगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल से, और पूरे को डिवाइड कर दोगे आप टाइम ऑफ फिल से, टाइम फिल होने में कितना समय लगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर करनी। अब ऊपर का हिस्सा मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब फिर चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो इंजेक्शन रेट का फार्मूला यहाँ पर क्या कहेगा, एफ इंजेक्शन रेट, या फिल रेट कह लीजिए आप उसको, तो वो कैसे, वॉल्यूम ऑफ शॉट, अब शॉर्ट वेट आपको दिया गया था 225.6 ग्राम, इसको लिख लीजिए 225.6 ग्राम, इसको डिवाइड कर दीजिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अपॉन कर दीजिए टाइम ऑफ फिल, टाइम फिल में 0.30 सेकेंड्स लगे, 0.30 सेकेंड्स। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने की बारी आ गई। कैलकुलेशन में आपका आप करिएगा तो निकल के आएगा 300.8 अपॉन 0.30। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए, ये डिवाइड है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई ये एस हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे 1003 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में आपका 1003 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल वॉल्यूम में जो है वो इंजेक्ट होता है,
या इंजेक्ट हो रहा है या आउट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आपका है, काफी आसान फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप फॉर्मूले को। समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए हमारे साथ और अच्छे टॉपिक्स। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।